हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चोचस बेसिक मैथ। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो एवरेज की होने वाली है। ये जो हमारी एवरेज की क्लास होगी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आज हमारी क्लास का पहला पार्ट है। हालांकि कल जो हमने पार्ट कराया था उसमें कुछ हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अपने इस टॉपिक को मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगी, तो आपके लिए भी आसानी रहेगी और मेरे लिए भी पढ़ाने में थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक है जिसमें हम एवरेज की जो परिभाषा है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उसके फॉर्मूले होते हैं, वो देखेंगे। तो भाई एवरेज को हम औसत भी कहते हैं, आप सबको ये अच्छे से पता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ द एंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी हमारी संख्याएँ दी होती हैं उनका योग किया जाता है और उसको भाग कर दिया जाती है जितनी भी हमारी संख्याएँ होती हैं, जैसे कि कुल संख्या से भाग कर दिया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द एंट्रीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, इसका मतलब हुआ हमारे पास मान लो अगर 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्याओं का योग किया जाएगा और बटे में हमारी कुल 10 संख्याएं थी 10 संख्याओं से हमें भाग कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एवरेज को फॉर्मूला ऐसे भी पढ़ते हैं, सम अपॉन में एन। एन जो होता है संख्याओं की जो कुल संख्याएं होती हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे यहाँ पे एन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ संख्याएं दे दी गई हैं, 24, 27, 37 और 48। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, इनका सम करना होगा। तो सम हमारा कैसे होगा, हम जानते हैं 24 प्लस 27 प्लस 37 प्लस और क्या कर देंगे 48। जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हम एडिशन करेंगे, उनको हम जोड़ेंगे और हमारी कुल संख्याएं कितनी होती हैं वही हमारा एन हो जाएगा। चार संख्याएं हैं तो चार हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, एवरेज निकालने वाला है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने पहले क्वेश्चन के तौर पर लिया है, ठीक है। तो सबको हम जोड़ देते हैं, 7 4 11 11 और 7 हमारा कितना हो गया है 18, 18 और 8 हमारा हो गया है 26। 2 हमारा हासिल हो गया, 2 2 4 और 4 और 2 हासिल वाला हो गया 6, 6 में 3 जोड़ा हो गया 9, 9 में 4 जोड़ा तो हो गया हमारा 13 और बटे में हमारा क्या जाएगा 4 जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से काट देंगे, ठीक है। 4 1 कम 4 चार थी हमारा 1 बचा और 4 चक्कू 16, तो हमारा क्या आ गया है 34, ठीक है। तो एवरेज जो है वो हमारा क्या आ गया है 34 आ गया है। अब करते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको एवरेज दे दिया है 45 टोटल नंबर, मतलब संख्याएं जो हैं वो कितनी हैं, 5 संख्याएं हमको दे दी गई हैं। अब ये कह रहे हैं संख्याओं का योग जो है, सम जो है वो निकालो। तो सम का फॉर्मूला हमारा इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। देखो सम जो होता है कैसे किया जाएगा, एवरेज की इस एन से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा योग निकल के आ जाता है जो भी संख्याएं दी होती हैं। तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू एन। तो भाई हमको यहाँ पे सम कैसे निकाला जाएगा, हम जानते हैं कि एवरेज जो है 45 है और हमारा एन जो है वो 5 है, तो 5 से 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 2 हासिल 5 चौके 20 और 2 हो जाएगा हमारा 22। तो 225 जो है हमारी सभी जो संख्याएं दी गई थी उनका योग निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अब करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमने अभी तक आपको जो क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाले हैं जिसमें हमने फॉर्मूले का यूज़ किया था, ठीक है। अब हम अपने स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल जो है वो बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। आज ही हमारी पूरी क्लास नहीं समाप्त हो जानी है, कम से कम 2-3 पार्ट जो है हम इसके कवर कराएंगे जिससे आपका पूरा का पूरा एवरेज जो है अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 62 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 54 kg है, यदि शिक्षक के वजन को मिलाया जाता है तो औसत में 3 kg की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है द एवरेज वेट ऑफ 62 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 54 kg, इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द एवरेज राइजेज बाय 3 kg, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। तो हमें क्या करना है भाई, टीचर का वजन निकालना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें हमें करेक्ट आंसर को क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इन्होंने हमको क्या क्या दिया है वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
इन्होंने हमें एन दिया है। एन मतलब जो हमारे संख्याएं हैं, देखो कितनी संख्याएं बताई थी, 62 बताई थी, 62 बताई थी, ठीक है वो दे दी थी। तो हमारे जो स्टूडेंट थे उनका नंबर कितना था, स्टूडेंट का नंबर लिख लेते हैं, उनका एवरेज भी हमको दिया गया था वो भी लिख लेते हैं, उनका योग जो है वो हमको तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जब हमारे 62 स्टूडेंट थे तो उनका एवरेज हमारा कितना बताया गया था, 54 बताया गया था। कितना बताया गया था, 54 बताया गया था। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे टीचर जो है वो बढ़ गए हैं, मतलब नंबर जो है एक बढ़ गया, टीचर को इंक्लूड कर लिया गया है, इसका मतलब हमारे टीचर की संख्या इसी में ऐड हो गई है। तो इस अब हमारा एवरेज क्या हो गया है, वो सॉरी संख्याएँ कितनी हो गई हैं, 63 हो गई हैं, 63 हो गई हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि जब हमारे टीचर जो हैं वो इस वजन में इंक्लूड हो जाते हैं तो हमारा एवरेज जो है वो 3 बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है, मतलब पहले एवरेज था 54, 3 बढ़ के हमारा कितना हो गया है, 57 हो गया है। कितना हो गया है, 57 हो गया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा था कि ये कितना बढ़ रहा था, प्लस 3 बढ़ रहा था, ठीक है। जब हमारे पास n स्टूडेंट थे, ठीक है, और एवरेज इतना था, तो हमारा सम क्या आएगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था सम वाला, n की एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब 62 और 64 की कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने पहले ही करके रखी है, तो वो है हमारा 3348 आएगा, ठीक है। ऐसे 63, जब हमारे पास 63 लोग हैं, उनका जो एवरेज है वजन का वो 57 है, तो हमें अगर सम निकालना हो टोटल एज का, ठीक है, टोटल वजन का, तो हम इसकी और इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी भी मल्टीप्लाई हमने निकाल कर रखी है, 3591 आएगी, ठीक है। जब हमारे पास 62 लोग थे तब इतना वजन हो रहा था, जब 63 लोग थे तो कुल इतना वजन हो रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि आप इसमें से ये घटा दोगे, घटेगा ही नहीं क्योंकि ये ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसमें से इसको घटाना है तो ही आपका आंसर आएगा। आप ऐसा मत कर देना इसमें से ये घटाओ तो माइनस में आंसर कर दो, वजन जो होता है वो हमारा माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो हम आपको साइड में करके दिखा देते, नहीं तो आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। 3591 में से 3348 को हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे हासिल गया 11 हुआ, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे बचा हमारा 5 में से 3 गया 2, तो हमारा कितना आया, 243 आया। क्या आया, 243, ये हमारा केजी में निकल गया है, मतलब जो टीचर का वजन, इन्होंने कहा था शिक्षक का वजन जो है वो ज्ञात कीजिए, तो जितना एक्स्ट्रा जो हमारा निकला है, जो इस ये जब 62 लोगों का कुल वजन कितना था, 63 लोगों का कुल वजन कितना था, जो वजन एक्स्ट्रा हुआ है वो टीचर का ही हुआ है, मतलब हमारा शिक्षक का वजन आ जाएगा 243, ठीक है। अगर आप इसको, जब आपको ये चीज़ आती होगी तो आप खुद से लगाओगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैंने आपको एक एक स्टेप समझाई है, इसीलिए आपको लग सकता है कि भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, 62 और 54 की गुणा कर दी थी, 62 का जो औसत था उसे गुणा कर देनी थी, जो एक बढ़ जाता है उससे जो औसत बना है उसकी गुणा करके आपको अंतर करना है, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। अब करते हैं अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहे हैं 5 बच्चों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है, तो कुल आयु क्या होगी। तो भाई अभी अभी हमने कुल आयु मतलब योग पूछ रहे हैं, तो हमारा वही फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज इंटू में एन। तो एवरेज जो है वो हमारा 14 दिया गया है, और संख्या कितनी दी गई है, 5 बच्चे दिए गए हैं, तो 14 पंजे क्या हो जाएगा हमारा, 14 पंजे हो जाएगा 70, ठीक है। तो एवरेज आयु जो है वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 70 वर्ष निकल के आएगी। बहुत ही सिंपल था। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 15 संख्या का औसत 48 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसमें भी योगफल पूछा गया है, मतलब सम पूछा गया है, तो कुछ नहीं, 15 हमें संख्या मतलब एन दे दिया गया है 15, और औसत जो है वो कितना दे दिया गया है 48। तो अब हम क्या करेंगे, 15 और 48 की गुणा कर देंगे। तो भाई कर लेते हैं, 15 8 120 होता है 12 हासिल, 15 6 60, 60 और 12 जोड़ा तो हमारा हो गया 72, तो 720 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़े अलग टाइप के होंगे हमारे।
तो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान से सीखना। तो पहले तो जो इसका प्रॉपर तरीका होता है मैं आपको उसे लगा कर दिखाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रॉपर तरीका पता होगा उसके बाद ट्रिक सीखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि 25 संख्या का औसत 72 है, अगले 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो भाई यहाँ पे जो जो इन्होंने बोला है, संख्याएं बोली हैं, उसके बाद एवरेज की बात की है, ठीक है। तो ये बातें हम यहाँ पे दोनों ही लिख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, 25 संख्या का औसत जो है क्या बताया है, 25 संख्या का औसत बताया है इन्होंने 72। फिर इन्होंने कहा है अगले 35 संख्याओं का औसत, मतलब अगली जो 35 संख्याएं थी उसका औसत जो है कितना है, 84 है। तो दोनों ही बात हमने इनकी लिख ली, ठीक है। 25 संख्या का औसत 72 था, 35 संख्या का औसत 84 था, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, इन्होंने कहा है तो पूरी संख्या, मतलब जो टोटल जो हमारी संख्या है 25 को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, 60 आएगा, 60 संख्या टोटल जो संख्या है उनका औसत क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे न्यू एवरेज हमारा क्या होगा जाके, तो हम 25 की इससे गुणा कर देंगे तो हमारी यहाँ इसकी कुल संख्या आ जाएंगी, 35 की इससे गुणा कर देंगे तो इसकी कुल संख्या आ जाएंगी, दोनों को ऐड कर देंगे और उसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला, एवरेज इंटू में एन, यही तो हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो सम हम मतलब टोटल जो योग है वो निकालने के लिए इसकी इसकी गुणा करनी पड़ेगी एवरेज संख्याओं की, ऐसे ही सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 25 की गुणा हम 72 से कर देंगे और जोड़ देंगे 35 की गुणा करके 84 में, ठीक है। और हमारी टोटल संख्या कितनी हुई, इसको इसको जोड़ देंगे, मतलब 25 प्लस 35 करेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी इसकी जब हम गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिलहाल मैंने गुणा जो है करके रख ली ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको गुणा करना तो अच्छे से आता ही होगा। तो इसकी इसकी गुणा जो है वो हमारा 1800 आएगी और 3584 की गुणा जो है वो 2940 आएगी। आपको अगर गुणा की ट्रिक सीखनी है तो हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, गुणा की कई सारी ट्रिक्स जो हैं वो हमने आपको बताई है, ठीक है। इसे आपका टाइम ना वेस्ट हो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से गुणा करके रख लिया है, ठीक है। और 25 और 35 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 60 होता है, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 4740 आएगा, कितना आएगा, 4740 आएगा, बटे में हम कर देंगे 60, जीरो से जीरो हमारा कट गया। अब हम इसको 6 से काट देते हैं, 6 × 7 = 42 और हमारा 5 × 6 = 54, तो हमारा 79 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से लगा रहा है, तो आपने देखा कि काफ़ी कुछ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ गई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लगा पाए, तो इसके लिए हमारे काम आती है क्या, ट्रिक काम आती है, वो ट्रिक जो है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है तो अगली 35 संख्याओं का और अगली 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो हम यही बात लिख लेंगे, इन्होंने कहा है 25 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 72 है, और 35 संख्याओं का औसत जो है कितना है, 84 है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात का निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है। तो 72 में 84 में से जब 72 घटाया तो हमारा 12 आया, ठीक है। मतलब 72 में हम जब प्लस 12 करेंगे, मतलब 72 में जब 12 जोड़ेंगे तो ही हमारा 84 आने वाला है, ठीक है। अब ये 25 और 35 अगर कट रहे होंगे तो इनको काट सकते हैं, जैसे 25 हुआ, 5 × 7 = 35 हुआ, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस नेक्स्ट स्टेप को आपको ध्यान रखना है, करना क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो हमारा औसत होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 72 दिया गया है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा 12 आया है इसकी गुणा हमारा जो नेक्स्ट जो होता है, 72 को तो हमने लिख लिया, तो 72 को हमने लिख लिया है और इस ये जो है, ठीक है, इसका
ऊपर वाला जो हमारा रेशियो होता है उसे 12 से इस रेशियो की गुणा कर देते हैं। तो ध्यान रखना 12 की 5 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, 72 जो है इसी एरिया में आ गया है ना, इसका तो 72 हमने लिख लिया, तो काम किसका बचा, इसका बचा है ना काम, तो इस 12 की हम 7 से गुणा कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे, इन दोनों का योग, 7 और 5 का योग कर देंगे, 7 + 5, ठीक है। तो 72 हो गया, प्लस कर दिया 62 हो गया हमारा 84 बटे में 7 × 5 = 12, 12 × 12 = 62 तो हमारा क्या आ गया है 72 + 7, अब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 79 आ गया। आपने देखा ना यहाँ पे हमको कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, जिसमें कि हमने ये पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था, ठीक है, और यहाँ पे हमको कितनी कम करनी पड़ी, ठीक है, यही होती है ट्रिक। तो आपको मैं इस ट्रिक को फिर से समझा देती हूँ आखिर हमने किया क्या है। देखो भाई, 25 जो संख्याएं थी उनका औसत था 72, 35 जो संख्याएं थी उनका औसत था 84, ठीक है। फिर हमने देखा 72 जो है 84 से कितना कम है, तो हमने घटा दिया 84 से 72, तो हमारा हमने देखा कि 72 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा 84 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो हमारा छोटा वाला औसत था उसको लिख लिया, और बाकी जो हमारे बचे हुए थे, ठीक है, बाकी इसका तो काम खत्म हो गया, तो बचा कौन है, ये वाला बचा। तो हमने क्या किया है, जो हमारा अंतर था, अंतर से हमने ये जो हमने काट के रखा था, ठीक है, उससे गुणा कर दी, और बटे में इन दो हमारी टोटल संख्याएं होनी चाहिए थी ना, ठीक है, पूरी संख्या की बात कर रहे थे ये, तो पूरी संख्या तभी होंगी जब हम इसको इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने 7 और 5 को जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करती हूँ तो इसको हम इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, सिंपल से इस तरीके से लिखते हैं, इसको काट देते हैं, फिर हम यहाँ पे 12 प्लस क्या करते हैं, डायरेक्ट ही गुणा कर देते हैं, 62 + 84 करते और 7 + 5 = 12 करके जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। इस स्टेप की ज़रूरत नहीं थी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बस आपको समझाने के लिए हमने ये स्टेप जो है बढ़ा दिए, ठीक है। अब इस तरीके से आपने देखा आंसर जो है वो आ चुका है। अगर ऐसे भी ना समझ में आया हो तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हम और करेंगे आपको, जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 48 संख्या का औसत जो है 67.37 है तथा अगली 80 संख्याओं का औसत जो है 75.37। आपको एक और बात क्लियर कर देते हैं, आप सोच रहोगे मैम आपने तो 37 पढ़ दिया है, आपको सच बताएं तो अगर कोई भी दशमलव संख्या होती है उसमें दशमलव के बाद वाली जो संख्याएँ होती हैं उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं, उसको 37 पढ़ दिया, पर 37 नहीं पढ़ा जाता है, इसको 3 साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल फिर से पढ़ते हैं इसको, 48 संख्या का औसत 67.37 है तथा अगली 80 संख्याओं का औसत 75.37 है, तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से लगाएंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम इस तरीके से ना लगाते हुए डायरेक्ट ही अपनी ट्रिक पे चलते हैं। लेकिन फिर भी आप इस दशमलव को देखकर घबरा रहे होंगे, दशमलव से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि कहाँ गया, 48 संख्याओं का औसत, ठीक है। तुम यहाँ पे लिखेंगे 48 संख्याओं का औसत जो है कितना है, 67.37। फिर इन्होंने बोला है जो 80 है जो है, ठीक है, 80 संख्याओं का औसत जो है वो क्या बोला है, 75.35 बोला है, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले तो अंतर निकालेंगे। अंतर जब हमने निकाला तो हमारा कितना निकल के आया, 8, मतलब इसमें अगर हम प्लस का 8 करें तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो इनको भी काट दें, जैसे कि हम इसको काटेंगे किससे काट दें, 12 + 36 = 48 और 16 × 3 = 48, 16 से कट जाएगा, ठीक है, 16 × 3 = 48 और 16 × 5 = 80, ठीक है। तो इनका जो अनुपात आया है 3:5 का अनुपात आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है, यही तो स्टेप थी हमारी, नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ एक को हम उतार लेते हैं, छोटे वाले को उतार लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 67.37 को हमने उतार लिया, इसका काम तो खत्म हो गया, अब काम हुआ इसका, तो 8 से 5 की गुणा कर देंगे, तो 8 × 5 क्या हो जाएगा, 40, और इन दोनों का योग कर देंगे, 8, 3 और 5 का योग कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 8, अब काट देंगे 8 × 8 = 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है 67.37 प्लस में 5, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
और 7 5 12 मतलब 72.3 मतलब 72.37 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को, ये हमारा दशमलव में क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को आप अगर इस तरीके से लगाते आप सोच सकते थे कितनी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब करते हैं अपना हम 8वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा 8वां वाला क्वेश्चन। 8वां वाला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, एक कक्षा में 3 विभाग ए बी सी हैं जिनमें क्रमशः 60, 40, 100 छात्र हैं जिनका योग भार क्रमशः 52 kg, 58 kg, 55 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, पूरी कक्षा का पूछ रहे हैं। जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें हमें अलग अलग पार्ट में दिए होते हैं, हमें ज्ञात क्या करना होता है, पूरी पूरा जो है उस पार्टों को मिलाकर पूरा औसत भार हमको या औसत जो है वो ज्ञात करना होता है। उसमें ये हमारी ट्रिक लगेगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर ये हमारी ट्रिक लग रही है, तो फिलहाल इसमें जो है हमको 3 देकर रखे हैं। ठीक है, 3 देकर रखे हैं, हम आपको पुराने ही तरीके से बताएं। ठीक है, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन वो तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं। ए के लिए दिया गया है 60, बी के लिए 40, सी के लिए दिया गया है 100। ठीक है, फिर उसके बाद जो भार दिए गए हैं वो दिए गए हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं छात्र। ठीक है, यहाँ पर भार लिख लेते हैं। ठीक है, पहले के लिए दिया गया 52, दूसरे के लिए दिया गया 52 kg और 58 kg, फिर दिया गया है 55 kg, इस तरीके से भार दिए गए। ठीक है, अगर हमें कुल एवरेज जो है टोटल या न्यू एवरेज आप कुछ भी लिख सकते हो वो ज्ञात करना है, तो हमें इसके लिए क्या, हमने आपको क्या बताया था, इसके लिए हमने बताया था इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे। सम कैसे करेंगे, इसकी इसकी गुणा करके। ठीक है, तो इसका सम ज्ञात करने के लिए हमें इस किसकी गुणा करनी पड़ेगी, इसका सम ज्ञात करने के लिए इस किसकी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं, 60 × 52 करेंगे, फिर प्लस करके 40 × 58 करेंगे, फिर हमें प्लस करके 100 × 55 करना पड़ेगा, फिर बटे में हमें क्या कर देना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ देना पड़ेगा, 60 + 40 + 100। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे ना, हाँ थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह लगा के थोड़ा टाइम बचा सकते हो, फिर भी काफ़ी टाइम जो है आपका लग जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम उसी ट्रिक से लगाने वाले हैं जो ट्रिक हम आज आपको सिखा रहे हैं। तो उस वाले क्वेश्चन को हम पूरा नहीं करने वाले हैं, हम तो यहाँ आपको ट्रिक सिखाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, लेकिन वो तरीका भी हमने आपको बता दिया है। तो भाई आगे हम यहीं पे लिखते हैं, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख देते हैं। ए के लिए हमको कितना बताया गया था, 60 बताया गया था, बी के लिए हमें 40 बताया गया था, 40 छात्र थे, और सी के लिए 100 छात्र थे। ए का हमारा एवरेज भार जो था वो 52 था, बी का 58 था, सी का हमारा 55 था। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके इसके बीच में, मतलब इसमें कितना जोड़े के 58 आ जाए, तो हमने देखा कि अगर हम प्लस 6 करेंगे तो हमारा 58 आ जाएगा, और इसमें आओ और इसमें देखते हैं, इसके इसके में प्लस 3 का अंतर है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और ऊपर जो लिखे हुए हैं उनको हम 20 से काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि कट जाएंगे 20 से, 20 × 3 = 60, 20 × 2 = 40, 20 × 5 = 100, तो 3, 2 और 5 का अनुपात जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या करने करेंगे, तो वही काम करेंगे जो हमने किया था। क्या किया था हमने, तो एवरेज जो है वो हमारा कैसे निकाला जाएगा, एक हम लिख लेते हैं ये वाला 52 लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा यही, इसी को लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब इस बार हमको क्या करना है, क्या करते थे, जो बचे हुए ये हिस्सा बचा हुआ है, ये हिस्सा तो हमने 52 में कवर ही कर लिया, अब 6 की हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 की 5 से गुणा कर देंगे, 3 × 5 हो जाएगा 15। अब इसके नीचे बटे करेंगे, पूरे के नीचे बटे नहीं करना है, ध्यान रखना, सिर्फ ये जो हमने गुणा की थी 6 और 2 की, 3 और 5 की, इसके नीचे ही बटे करके क्या करना है, 3 और 2 और 5 को जोड़ देना है। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5, 5 हुआ हमारा 10। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 52 लिख दिया, प्लस लिख दिया, 12 और 15 को जोड़ा तो हमारा 27 हुआ, बटे में 10। ठीक है, अब इसको हम दशमलव में चेंज कर लेंगे। अगर आपको दशमलव में भी चेंज नहीं करना आता तो इसकी भी वीडियो हमारे इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 52 प्लस, 1 0 होता है तो दशमलव बाई तरफ शिफ्ट होता है, 1 ही 0 था तो 1 ही अंक हमारा शिफ्ट हुआ, मतलब 0.7 से पहले आ गया, जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 52 2 = 54 हो जाएगा, तो 54.7 जो है इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमने किया क्या है। फिर भी हम आपको एक बार समझा देते हैं। ए जो था, ए के लिए 60 छात्र बताया गया, तो इनका एवरेज था 52। बी के लिए 40 छात्र बताए गए थे, इनका एवरेज बताया गया था 58। सी के लिए 100 छात्र बताए गए थे, इनका एवरेज बताया गया था 55। तो हमने तो इनको काट लिया, 20 से काटा, 20 या 60, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब हमने इनके इनके बीच में अंतर देखा, प्लस 6 का है, इनके इनके बीच में अंतर जो है प्लस 3 का है। ठीक है, अगर हम 52 को उतारा, सबसे छोटे उतार लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसको उतारा तो इसका काम तो खत्म हो गया, यहाँ पे उतार लिया हमने एवरेज निकालने के लिए। और हमारे पास ये हिस्सा बचा है, तो हमने क्या किया, जो अंतर था उसको हमने, ये जो अनुपात निकल के आया था 6 2 12 किया, फिर 3 5 15 किया, इनको एक साथ जोड़ लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे ये स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट यहीं पर लिखते, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 12 15 को जोड़ के 27 हो गया, और 3 2 5 को जब जोड़ा तो हमारे यहाँ पे 10 हुआ। अब काटा बेटी कर ले, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं अपना नवा वाला क्वेश्चन। तो भाई नवा वाला क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए। एक कक्षा में 4 विभाग ए बी सी डी, ठीक है, इस बार जो हमको दिए गए हैं पार्ट, कितने दिए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं, ए बी सी डी हैं, जिनमें क्रमशः 50 100 150 200 विद्यार्थी हैं, जिनकी औसत आयु क्रमशः 14 वर्ष 16 वर्ष 15 वर्ष और 17 वर्ष है। तो बताए पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी। इसमें भी पूरा वर्ड आ रहा है, मतलब हमको वही ट्रिक जो है लगानी है। तो क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है। ए के लिए दिया गया है छात्र 50, बी के छात्र हैं 100, सी के छात्र हैं 150 और डी के छात्र हैं 200। और इसकी ए की औसत आयु हमको दी गई है 14, बी की 16, सी की 15 और डी की 17। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता था, सबसे पहले हमको इनका अंतर निकालना होता था, इसका इसका अंतर जो है प्लस 2 का है, फिर 14 का हम इसके साथ अंतर निकालेंगे तो इनके इनके बीच का अंतर जो है प्लस 1 का है, फिर हमने इसके इसके बीच का अंतर निकाला, ठीक है, जो कि कितना है प्लस 3 का है। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम अगर ये कट रहे हों तो काट देते हैं, फिलहाल कट रहे हैं, तो 50 एकम 50 50 दूनी 100 50 3 150 50 6 200। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे अनुपात भी लगा सकते हो। तो हमने इसको लेकर सबको देखा है ना, तो इसको ही लिखना है। तो ठीक है, तो 14 यहाँ पे लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, 14 तो हमने लिख लिया, हम वही काम करने वाला है, इसका काम तो ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे, 2 की 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 4 हुआ। ठीक है, हम आपको ये स्टेप जोड़ कर दिखा रहे हैं, आपको ये मन में ही जोड़ लेते हैं, अगली स्टेप करते तो ज़्यादा बेटर रहता है, पर हमें आपको समझाना है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे जोड़ कर लिख रहे हैं। 1 3 1 की 3 से गुणा, 1 3 3, ठीक है, प्लस 3 6 12 बटे में क्या होगा हमारा, इन चारों का जोड़। ऐसा मत करना कि इसको जोड़ो ही ना, इसको भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि कुल निकालना है ना, कुल तो चारों से ही बनेगा। 1 और 2 हुआ 3 3 3 6 6 और 4 10। तो हमारा क्या आ गया, 14 प्लस 3 7 और 12 हुआ हमारा 19 बटे में 10। ठीक है, 14 प्लस क्या हो जाएगा, 1.9 जोड़ देंगे तो 14 1 हो जाएगा 15। ठीक है, 0.9। ठीक है, और ये हमारा वर्ष में था तो ये हमारा यहाँ पे हम वर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी, ठीक है, मैंने आपको ये जोड़ते हुए नहीं दिखा पाया, 14 और 1 को जोड़ेंगे 15 15.9 वर्ष। ठीक है, तो ये भी जो हमारा आंसर आया था ये भी हमारा वर्ष में ही आया था। इस तरीके से 9 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर कराए हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर जरूर कर देना, हमारे वीडियोज़ को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और साथ में कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।